अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल होप फाइन एंड डूइंग ग्रेट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड्स की एक्सप्लेनेशन को ठीक है बायोलॉजिकल मेथड्स को वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे एज इट कैन बी आस्क इन लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है आज की क्लास में हम तमाम बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे ठीक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है ठीक है बायोलॉजिकल मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है रिकग्नाइज क्ल के लिए पहचान करने के लिए कि आया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है इट इज़ आ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है इट कैन बी डिफाइन एज इट मे बी आस्क इन शॉर्ट क्वेश्चन वट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देन यू कैन राइट द आंसर एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ द क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट कैन बी आस्क बाय समन और इट कैन बी डिराइव्ड बाय द बायोलॉजिस्ट हिमसेल्फ ठीक है ये क्वेश्चन जो है वो कोई भी बायोलॉजिस्ट से पूछ सकता है या बायोलॉजिस्ट के माइंड में ये खुद भी आ सकता है ठीक है तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो जब आता है तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं बायोलॉजिस्ट यूज द बायोलॉजिकल मेथड टू एनकाउंटर द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑब्जर्वेशन ठीक है अब आते हैं अगले पॉइंट पर विच इज ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशर बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ठीक है जब आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज करता है तो उस क्वेश्चन की आने के बाद उसके बाद ऑब्जर्वेशन की जाती है मुशाहदाद किए जाते हैं जो बेस करते हैं आपके प्रीवियस नॉलेज पर भी और आप अपने आइंदा की जो है ऑब्जरवेशन भी आप क्रिएटिव हो जाते हो आपकी जो थिंकिंग है वो लॉजिकल हो जाती है आप ज़्यादा नली चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो ठीक है तो आप ऑब्जर्व करते हो अपने फाइव सेंसेस को यूज़ करते हो विच इज स्मेल टेस्ट टच हेयरिंग एंड वीएन सो दीज आर द फाइव सेंसेस दैट कैन बी यूज टू मेक द ऑब्जर्वेशन ठीक है आप इन सारी अपनी जो है वो सेंसेस को यूज करते हो आप देखते हो सुनते हो आप चकते हो किसी चीज को या टच करते हो तो आप क्या करते हो ऐसा सारा करने से आप ऑब्जर्व करते हो कि आया कि जी जो प्रॉब्लम है किस तरह से सॉल्व हो सकता है इसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हो ठीक है अब ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती हैं ये टू टाइप्स की होती हैं ठीक है नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं द फर्स्ट वन इज क्वानिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड द सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन अब ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इनका आपस में क्या डिफरेंस है आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन अब ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं ये इनवेरीबल होती हैं मतलब ये चेंज नहीं होती ठीक है इनवेरीबल मेजोरेबल आप इनको मेयर भी कर सकते हैं बल एंड कैन बी रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ नंबर आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं ठीक है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होते हैं जो इनवेरिएबल होती है चेंज नहीं होती ठीक है जैसे आप कहते हैं वन लीटर ऑफ वॉटर कंटेन हंड्रेड ग्राम ठीक है यानी एक पानी का जो लीटर होता है उसका वजन 100 ग्राम होता है तो ये इनवेरिएबल है आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते इस स्टेटमेंट को आप चेंज कर ही नहीं सकते इनवेरिएबल मीन जिसको आप बदल नहीं सकते मयरेबल मतलब आप बात कर रहे हैं वन लीटर ऑफ वाटर की मतलब आप इसको मेयर कर सकते हैं रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ नंबर जैसे आपने बोला वन लीटर ऑफ वाटर ठीक है आप नंबर लिख रहे हो वन लीटर ठीक है आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं ना ये आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते ठीक है ना आप इनको चेंज ये चेंज हो सकती हैं मतलब ये वेरिएबल होती हैं इट इज़ वेरिएबल नॉन मेयरेबल आप इसको मेयर नहीं कर सकते एंड इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर ठीक है अब इन दोनों का एक तो ये मेजर डिफरेंस हो गया ये क्या होती हैं ये वेरिएबल होती हैं मतलब ये चेंज आ सकते हैं इनमें अब मैं आपको इनकी वन बाय वन एग्जांपल दूंगी तो आपको जो है फर्दर क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है ठीक है ये थी इनवेरिएबल ये चेंज नहीं होती बट क्वालिटेटिव आर वेरिएबल एंड दीज आर मेयरेबल एंड दीज आर नॉन मेयरेबल एंड दे कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर अब आपको इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगी तो आपने इस एग्जांपल को अच्छे तरीके से समझना है आप एग्जांपल समझोगे तो इन दोनों का ये जो मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझाया आपके जहन में क्लियर हो जाएगा जैसे मैं कहती हूँ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है मैंने फ्रीजिंग पॉइंट क्या बताया जीरो डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब आपको मैंने टर्म्स बता दिए कि फ्रीजिंग पॉइंट इतना है बॉयलिंग पॉइंट इतना है ये क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन है जिसमें मैं नंबर बता रही हूँ आप इसको मेयर कर सकते हो लाइक like आपने फ्रीजिंग पॉइंट चेक करना है आप इसको मेयर करके बता दो कि जीरो डिग्री सेल्सियस है आपने पानी का बॉयलिंग पॉइंट चेक करना है आप वाटर को बॉयल करोगे लैब में उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करोगे आपको समझ आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बट अब वाटर की जो क्वालिटेटिव एक्सप्लनेशन है तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगी मैं कहूंगी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ठीक है मैं सिर्फ़ एक स्टेटमेंट दे रही हूँ मैंने ना बताया कितना है ना मैंने उस ये चेंज भी हो सकता है ठीक है like लाइक आप वाटर का थोड़ा सा टेम्परेचर हाई या लो भी कर सकते हो तो मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कोई एक क्वांटिटी नहीं बताई मैंने जस्ट एक स्टेटमेंट दी है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ठीक है ये जो थी ये क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन है और जो मैंने कहा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट वो क्वालिटेटिव जो है वो मतलब उसकी क्वालिटी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो ठीक है जैसे मैं आपको एक सादा सी और एग्जांपल देती हूँ आप एक शॉप पे जाओ आप एक कोल्ड ड्रिंक बाय करते हो ठीक है आप कहते हो कि आई नीड अ लीटर ऑफ बॉटल ठीक है आप एक लीटर किसी भी कोल्ड ड्रिंक का ले लेते हो ठीक है आपने जब एक लीटर लिया तो आपने उसकी क्वांटिटी बताई कि मुझे एक लीटर चाहिए ठीक है अगर आपको टू लीटर्स चाहिए तो आप क्वांटिटी बताओगे मुझे आई नीड टू लीटर्स ऑफ बॉटल ठीक है बट अगर आप बताओगे कि मुझे कोल्ड या हॉट ड्रिंक चाहिए तो ये उसकी क्वालिटी होगी ये क्वांटिटी नहीं होगी ठीक है इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा जब आप उस बॉटल के बारे में बताओगे कि आपको कोल्ड या हॉट चाहिए तो वो उसकी क्वालिटी होगी जब आप बताओगे उसका नंबर तो वो उसकी क्वांटिटी होगी अब आपकी बुक में वन मोर एग्जाम्पल है जैसे कि मैं बताया कि वन लीटर ऑफ वाटर वेट वन थाउजेंड ग्राम होता है बट वन लीटर ऑफ एथनल वेट सेवन ऐटी नाइन ग्राम ठीक है अब इनमें बताया हुआ है वजन भी बताया हुआ है कि एक लीटर जो पानी का है उसका वजन वन थाउजेंड ग्राम होता है और जो एक लीटर होता है एथनल का उसका जो वेट होता है वो होता है सेवन ऐटी नाइन ग्राम मतलब आपको एग्जैक्ट क्वान्टिटीज बता दी आप इसको चेंज नहीं कर सकते दिस इज क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन बट अब मैम बात करेंगे वन लीटर ऑफ वाटर वेज मोर देन वन लीटर ऑफ एथनल के एक लीटर पानी का वजन एथनल के एक लीटर से ज़्यादा है तो ये इसकी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसके अलावा ऑब्जर्वेशन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं लाइक यू कैन ऑब्जर्व यू कैन स्टडी द वर्क ऑफ अदर साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट ठीक है आप स्टडी भी कर सकते हो आप जो है एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो और आप बाकी जो बायोलॉजिस्ट होते हैं नेचुरलिस्ट होते हैं साइंटिस्ट होते हैं उनका जो प्रीवियस वर्क है उनको स्टडी करके भी अपनी ऑब्जर्वेशंस बना सकते हो तो स्टूडेंट्स आई होप यू आपको जो ऑब्जर्वेशंस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा सबसे पहले आपने अपने ऑब्जर्वेशन के जो वेज़ हैं वो बता दिए कि आप किस तरह से ऑब्ज़र्वेशन करते हो ये फाइव सेंसेस को यूज़ करके उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो उनको एक्सप्लेन किया अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप विच इज़ फार्मोलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जब आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हो ठीक है तो बारी आ जाती है हाइपोथेसिस बनाने की आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन आती हैं आप उसको एक डाटा की फॉर्म में लिखते हो और उसके बाद आप एक स्टेटमेंट लिखते हो जो फॉल्सिफाइबल होनी चाहिए ठीक है आप एक स्टेटमेंट बना लेते हो जो कि टेस्टेबल भी हो फालीफाइबल भी हो मतलब आप उसको टेस्ट भी कर सको आप उसको गलत भी प्रूव कर सको मतलब देर मस्ट बी सर्टन वे टू प्रूव योर हाईपोथसिस रॉन्ग ठीक है एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो गलत साबित हो सके ठीक है so, सो हाइपोथेसिस क्या होता है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आप अपनी ऑब्जर्वेशन को एक टेंटेटिव फॉर्म में लिख देते हो टेंटेटिव का मतलब होता है कि अनकनफर्म मतलब कि ऐसी चीज़ जो कंफर्म नहीं होती जो फालसिफाइबल होती है जो टेस्टेबल होती है आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं आप उसको गलत प्रूव भी कर सकते हैं अब जो हाइपोथेसिस है जब बन जाता है तो इसके फाइव वेज है एक हाइपोथेसिस को कैसा होना चाहिए ठीक है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक जो है वो किस तरह का होना चाहिए तो इट शुड बी फॉलो दीज फाइव स्टेप्स ठीक है आपका जो हाइपोथेसिस है उसको इन फाइव स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए द फर्स्ट वन मी इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट ठीक है इट शुड बी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन इट शुड अग्री विद ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन ठीक है इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल इट शुड बी टेस्टबल एंड फालसिफाइबल हाईपोथसिस मस्ट फॉलो दीज फाइव स्टेप्स ठीक है एक हाइपोथसिस जो होता है उसको क्या होना चाहिए उसको एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए एक आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए एक सादा सी स्टेटमेंट होनी चाहिए ठीक है और एक टेंटेटिव एक्सप्लेशन होनी चाहिए मतलब वो सही भी हो सकता है अनकनफर्मड होता है वो गलत भी हो सकता है इसको अग्री करना चाहिए ऑल पॉसिबल ऑब्ज़र्वेशन के साथ कि जितनी भी पॉसिबल ऑब्जर्वेशन है जो हाइपोथेसिस है वो उन सारों को जो है वो अग्री करता हो और इट शुड बी टेस्टेबल एंड फॉल्सिफाइबल कि इसको आप टेस्ट भी कर सकते हो और आप इसको गलत भी साबित कर सकते हो ठीक है तो ये सारी की सारी जो थी ये हाइपोथेसिस बनाने के वेज थे और उनको जो है वो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से हेल्प लीजिए रीडिंग कीजिए मज़ीद इसको स्टडी कीजिए मेमोराइज कीजिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए अला हाफ़